हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ समोसे बनाने की रेसिपी। शाम के चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे मिल जाएं तो क्या बात है। आप इसे तीखी ग्रीन चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व करें। एकदम क्रिस्पी और टेस्टी समोसे घर पर ही कैसे बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम समोसे का डो लगाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल में 2 कप मैदा लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन और 1/2 टीस्पून नमक। फिर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच घी या फिर रिफाइन ऑयल। 2 कप मैदे के लिए 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल यूज़ करना है हमें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब मैदे की ऐसी मुट्ठियाँ बनने लगे, फिर हम इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे एक सख्त डो गूंध लेंगे। आटे को सॉफ्ट नहीं गूंदना है, हल्का सा टाइट ही गूंदें। अब हम इसे ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे, और तब तक हम आलू का मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें 5 फ़ोरन डालेंगे और इसे थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसका हमने थोड़ा दरदरा पेस्ट बना लिया है। इसे 1 मिनट भून लेते हैं ऑयल में, और फिर इसमें ऐड करेंगे आलू। ये 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसे भी मसालों के साथ मिक्स कर देते हैं और अच्छे से 1-2 मिनट भून लेते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले, जैसे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हम आलूओं को मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और फिर इसे 2-4 मिनट भून लेंगे। ये देखिए, तो मसालों को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं और मसाले भून गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी आलू की फिलिंग तैयार है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे, और अब हम चलते हैं समोसे बना लेते हैं। डो को हम एक बार फिर गूंद लेते हैं, जिससे कि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसके छोटे छोटे लोई बना लेते हैं और एक पूरी के साइज़ का इसे रोल कर लेंगे। इसके ऊपर हम सूखा मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसे रोल करेंगे। तो यहाँ पर मैं मिनी समोसा बना रही हूँ, इसलिए इसके छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं मैंने। अगर आपको बड़े साइज़ के समोसे बनाने हैं तो आप बड़े साइज़ के पेड़े बनाएं। अब एक पेड़े को राउंड शेप में बेल लेंगे और बीच में से कट कर देंगे, ये देखिए। और फिर इसके साइड्स में पानी लगाएंगे ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं। फिर हम इसे फोल्ड कर देंगे। इसे दबाते हुए हम अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएं और फ्राई करते टाइम खुले ना। तो अब हम इसमें आलू की फिलिंग डालेंगे और इसे समोसे का शेप दे देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे समोसे बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे समोसे बना लिए हैं। अब हम चलते हैं इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म किया है। जब ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम फ्लेम एकदम लो रखेंगे और इसमें एक एक करते हुए सारे समोसे डाल देंगे। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल लो रखेंगे, जिससे समोसे हमारे धीरे धीरे अंदर तक फ्राई होंगे। और जब ये एक साइड से गोल्डन कलर के हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट कर दूसरे साइड भी फ्राई कर लेंगे, ये देखिए। अब समोसे हमारे बढ़िया गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के समोसे भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं। तो आप भी इस तरह से समोसे बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे, और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो जब कभी भी मन हो आप इसे बनाकर एंजॉय कीजिए। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है,
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।